नमस्कार, मैं हूँ प्रगति बंसल और आप देख रहे हैं ऑल वन न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार करेगा भारत। ऐतिहासिक पल को खास बनाने के लिए बड़े जश्न की तैयारी। प्रधानमंत्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर से करेंगे मुलाकात। स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाएंगे हौसला। 100 करोड़ का टारगेट अचीव करते ही लाल किले पर लहराएंगे दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज। मेट्रो, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगहों पर होगा ऐलान। लाल किले से एक थीम सॉन्ग और एक फिल्म जारी करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। बंदरगाहों पर बजेंगे हुटर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर उषा ब्रेको का बड़ा ऐलान। सर्टिफिकेट लाइए और फ्री में करिए रोपवे की सवारी। आगरा में हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। मृतक की मां और पत्नी ने साझा किया दर्द। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात के बाद भड़का प्रियंका का गुस्सा। कहा परिवार के मुताबिक पुलिस ने 17 से 18 लोगों को उठाया और बेरहमी से पीटा। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव का कहना, महिलाओं ने ही नहीं परिवार के पुरुषों ने भी महिलाओं को पीटा। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी के चेहरे पर नजर आया दर्द। बोली, अरुण को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया। प्रियंका ने कहा, पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद नहीं था। अरुण का परिवार भाई से जबरन कराए गए दस्तखत। अरुण के घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। योगी सरकार पर प्रियंका ने साधा निशाना। कहा, यूपी में अन्याय का बोलबाला। पीड़ितों को कैसे मिलेगा न्याय। आगरा पुलिस ने दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला। एसएसपी ने कहा, हार्ट अटैक से हुई थी अरुण वाल्मीकि की मौत। आगरा पुलिस ने अरुण वाल्मीकि के परिवार को सौंपा 10 लाख रुपए का मुआवजा। सरकार के एक सदस्य को नौकरी की पेशकश। लखनऊ में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। आगरा के लिए निकली प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 52 लोगों की मौत। राज्य का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में कम हुआ सैलाब का पानी, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार। जारी है राहत और बचाव का काम। उद्धम सिंह नगर में भारी बारिश और भूस्खलन में कई घर पूरी तरह से तबाह। बाढ़ पीड़ितों ने कहा, किसी ने नहीं ली सुध कई दिनों से भूखे। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही है बारिश। दर्जनों रास्ते मलबा और पेड़ गिरने के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात। चंपावत में कुदरत के कहर ने ली 11 लोगों की जान। सीएम पुष्कर धामी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने की मुहिम जारी। मेरठ में कुर्क की गई नईम गल्ला की संपत्ति। चोरी की गाड़ियों के अवैध कटान कारो। बिहार के शिवहर जिले में पंचायत चुनाव के नामांकन के बाद हुए भोज में खाना खाने से हुए 200 लोग बीमार। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ की टीम पर हमला। फायरिंग में एक घायल। ईवीएम और मजिस्ट्रेट की गाड़ी में तोड़फोड़। गोवा में चल रहे कैसीनो पर नियमों का पालन न करने का आरोप। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। बोले, किसानों की समस्या सुलझी तो भाजपा से हो सकता है गठबंधन। कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान प्लान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। हरीश रावत बोले, पंजाब के पूर्व सीएम कैसे भूल सकते हैं कि बीजेपी ने किसानों के साथ क्या किया। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।